वेलकम टू बी टेक्निकल। तो मैं यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो पेपर हुआ था 22 दिसंबर को, उसका आंसर की विथ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन को मैं ले रहा था। तो उसमें पेपर वन को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं पेपर वन का। तो ये पेपर टू है, इसके कंप्लीट आंसर की और एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बता रहा हूँ। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन जो हैं वो जीके के से हैं, जीके यानी जीएस जनरल साइंस और जीके से रिलेटेड है, और 100 क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल के हैं। और जो पेपर वन है उसमें 25 हिंदी के क्वेश्चन थे और 100 क्वेश्चन टेक्निकल के थे। तो 25 हिंदी का सिर्फ बच रहा है, बाकी 100 मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसमें मैं कंप्लीट डिस्कस करूँगा 125 क्वेश्चन, जिसमें 25 जीके के हैं और 100 टेक्निकल के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये 8 स्टेट से पास करता है टॉपिक ऑफ कैंसर, जिसमें त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर नहीं है, वेस्ट बंगाल है। ओके, सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर वन। दूसरा क्वेश्चन है, टू हुम द क्रेडिट इज़ गिवन टू ऑर्गेनाइज द लेबर मूवमेंट इन इंडिया। लेबर मूवमेंट का जो क्रेडिट दिया जाता है वो नारायण मेधजी लोखंडे को दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1890 में इसके ये किया गया था लोखंडे के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री था, व्हेन डिड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कोविड-19 को पेंडेमिक कब डिक्लेयर किया गया था। ओके, तो ये 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप्स इन ऑफ आइसलैंड। तो अंडमान निकोबार में ये जो अमीन दीवी आइसलैंड है ये नहीं है, है ना, ये इंक्लूड नहीं है। कह रहा है कि कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, विच आर नॉट। ओके, सो अमीन दीवी, फोर्थ का डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन कमिटी ऑन प्रिविलेजेज। प्रिविलेजेज में कितने कमिटी हैं, मतलब विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें 15 सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर 2022-24 पीरियड इन द इलेक्शन हेल्ड इन अक्टूबर 2021। अक्टूबर 2021 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें होंडुरास जो है इस कंट्री को ये किया गया है, इलेक्टेड किया गया है। ठीक है, होंडुरास, तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर सेवन है, पैट्रॉन ऑफ लिटरेचर जहांगीर अवार्डेड द लिटल ऑफ पंडित राज जो है वो जगन्नाथ को कहा गया था। तो सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज इलेक्टेड 100 स्मार्ट सिटी में शिलोंग को ऐड किया गया था। सो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये पार्लियामेंट में पास हुआ था 9 दिसंबर को। ओके, 9 दिसंबर 2019 को ये राज्यसभा में, सॉरी लोकसभा में पास हुआ था, और 11 दिसंबर को राज्यसभा में पास हुआ था। ओके, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो महावीर स्वामी ये ललितपुर में है, ये करेक्ट है। लाख बहोशी ये कन्नौज में है, ये भी सही है। ये जो किशनपुर है ये आपका लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बलरामपुर में नहीं है। सो सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 10 का। हु वाज द एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो एडवाइजर था वो बी.एन. राव था। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच पार्ट इन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द यूनियन स्टेट रिलेशन। यूनियन स्टेट रिलेशनशिप को पार्ट 11 में रखा गया है। सो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विथ रेफरेंस टू द नोबल पीस प्राइज अनाउंस इन अक्टूबर 2021 में जो नोबल प्राइज दिया गया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट है, कौन सा करेक्ट है कह रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। मारिया रेशा एंड दिमित्री मुर्ताव हैव ज्वाइंटली वॉन द प्राइजेज एंड बोथ द विनर्स ऑफ द ईयर अवार्डेड आर जर्नलिज्म। दोनों जर्नलिज्म से था। सो सी इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ
ईयर वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो 1952 में फॉर्म हुआ था, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में मैच करना है, एक साइड आपका मिनरल दिया हुआ है, दूसरे साइड आपका माइंस दिया हुआ है। ओके तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, दैट इज़ फोर्थ, है ना। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा कि कॉपर जो है वो तलोजा में है, इसके बाद आपका आयरन ओर, ये तो बैलाडीला ये फेमस है आयरन ओर के लिए, बैलाडीला है ना, एनएमडीसी वहाँ का जो माइंस का नाम है, एनएमडीसी कंपनी है। ओके मैंगनीज जो है ये आपका बालाघाट के लिए है फेमस, और माइका नेलोर के लिए है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज वाज नॉट एसोसिएटेड विथ काकोरी। काकोरी से कौन एसोसिएटेड नहीं था, तो खुदीराम बोस काकोरी से एसोसिएटेड नहीं था, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन वाज एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, इसके बाद 2015 को यानी 31 अक्टूबर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि होती है उसी दिन 2015 को ये एक भारत श्रेष्ठ भारत लाया गया था। ओके अनाउंस किया गया था, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। ये कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज देम इन टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, सी इसका करेक्ट आंसर है। यानी पहले जो है वो ढाई दिन का झोपड़ा आएगा, देन आपका कुवत उल इस्लाम मॉस्क आएगा, ये कंस्ट्रक्ट हुआ, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो कंस्ट्रक्ट हुआ है उसके बारे में बोला गया। तो पहले वन आएगा, देन टू, इसके बाद है फोर्थ, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ सुल्तान गढ़ी, और थर्ड है इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ सीरी फोर्ट। सो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विथ रिफरेंस टू द इनोग्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट कुशीनगर ऑन अक्टूबर 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? देखिए ये पहला जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर में जो आया था फर्स्ट फ्लाइट, वो वहाँ से आया था श्रीलंका से, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट कि द फर्स्ट इनॉग्रल फ्लाइट टू लैंड वाज ऑफ श्रीलंकन एयरलाइंस, ठीक है, श्रीलंका से आया गया था। आपको कुशीनगर पता है कि ये भगवान बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें हैं। ओके तो जो फर्स्ट आया था फ्लाइट वो श्रीलंका से आया था, स्टेटमेंट वन सही है। स्टेटमेंट टू में थोड़ा कन्फ्यूजन है, टू में ये कन्फ्यूजन है कि एक तो लखनऊ में है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक आपका बनारस में है ना, इसके ये दोनों अभी चल रहे हो, तीसरा आपका ये है कुशीनगर, लेकिन ये बोल रहा है फोर्थ, है ना, तो लेकिन और दो हैं जो कि फ्यूचर में इनोग्रेट होने वाले हैं, तो ये नंबर में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो इस क्वेश्चन को मैं ऑब्जेक्शन में रखूँगा। कोई इसका आंसर सी दिया है कि दोनों करेक्ट है ना, बहुत बच्चे इसको सी में लेके कन्फ्यूजन है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर वन होना चाहिए, ए। ओके तो फिर भी मैं इसको ऑब्जेक्शन में रखता हूँ, आप इसको बाद में चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को, क्वेश्चन नंबर 20 इसमें भी मैच करना है। तो जो ऋग्वेद है वो कौशितिकी ब्राह्मण से रिलेटेड है, तो ए का हो जाएगा आपका टू। यजुर्वेद जो है वो शतपथ ब्राह्मण से है, तो बी का हो जाएगा तीन। और सामवेद जो है वो पंचवीस से है, तो इसका हो जाएगा चार। और अथर्ववेद जो है वो गौपद से है, तो इसका हो जाएगा एक। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 2341। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दिस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो साइमन कमीशन जो आया था वो 1928 में आया था, और कैबिनेट मिशन ये 1946 में आया था। फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ये भी 1946 में आया था, लेकिन पहले कैबिनेट मिशन हुआ फिर फर्स्ट मीटिंग हुआ। ओके ये चीज़ ध्यान में रखना है। और क्विट इंडिया 1942 में आया था। ओके इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, तो आप देख लीजिए ये आएगा पहले, यानी वन 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 के बाद आएगा आपका फोर, फोर के बाद आपका वन फोर ऑप्शन ए में है, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 1, 4, 2, 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पैराडॉन। पैराडॉन का पावर जो था आर्टिकल 72 में है, जो राष्ट्रपति के पास होता है। सो बी इसका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु एमोंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन सिल्वर मेडल। अभी अभी जीता है ये, अक्टूबर 2021 में हुआ है, उनका नाम है अंशु मल्लिक,
है ना। अंशु मलिक जो है वो फर्स्ट इंडियन वोमेन रेसलर है जो कि सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। ओके सो आप इसका आंसर सी करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, चंद्र प्रभा वाइल्ड लाइफ। चंद्र प्रभा जो है वो आपको चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है, सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन है जीके का। इन द रीजन ऑफ विच चोला किंग फर्स्ट ट्रेड डेलीगेशन वाज वेंट सेंट टू चाइना, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा राजा राज। फिर भी बहुत लोग इसका राजेंद्र वन बोलते हैं, लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो राजा राज इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, जिन्होंने चाइना भेजा था ओके फर्स्ट टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 25 का बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद का मेरा सारा पार्ट जो है वो टेक्निकल का है, टोटल 100 क्वेश्चन टेक्निकल में है, उसको मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, रिसिप्रोकल लेवलिंग एलिमिनेट्स। रिसिप्रोकल लेवलिंग में जो होता है कार्वेचर करेक्शन और कॉलिमेशन करेक्शन, ये कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाता है, रिफ्रैक्शन करेक्शन पार्सली होता है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा एलिमिनेट हो जाता है, तो कम्प्लीटली जो होगा वो कार्वेचर और कॉलिमेशन होगा, सो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ ए लाइन ए बी, मैग्नेटिक बेयरिंग दिया हुआ है तो आपको पता है ये कैसे होल सर्कल बेलिंग में दिया है, तो हम कैसे लेते हैं होल सर्कल बेलिंग, नॉर्थ से, तो नॉर्थ से 132 डिग्री, तो यहाँ तक 90 तो इधर कहीं आएगा। ओके तो ये आपको दिया है कितना, 132 डिग्री 45 मिनट मैग्नेटिक बेयरिंग आपको दिया हुआ है एम बी। ओके आपको निकालना ट्रू बेयरिंग, अगर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है वो 10 डिग्री वेस्ट में है, 10 डिग्री 20 मिनट वेस्ट में, तो वेस्टिंग साइड के लिए हम निगेटिव लेते हैं, ठीक है। जो हमारा फार्मूला है वो क्या होता है, ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, तो डिक्लिनेशन अगर वेस्टिंग रहता है तो हम माइनस लेते हैं और ईस्टिंग रहता है तो हम प्लस लेते हैं, तो यहाँ पे वेस्टिंग है तो माइनस ले लेंगे। तो 132 डिग्री 45 मिनट में से जब आप 10 डिग्री और 20 मिनट घटा देंगे तो आपको निकलेगा 122 डिग्री और 25 मिनट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिजोल्यूशन कोरस्पॉन्ड टू द स्मॉलेस्ट डिफरेंस ऑफ रेडिएंट एनर्जी डिटेक्टेड बाय सेंसर, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। कोई कोई इसका डी जो है स्पेशल रिजोल्यूशन ये भी दिया है आंसर, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन ही होगा स्मॉलेस्ट डिफरेंस के लिए। आप इसको एक बार चेक करेंगे, आप इसको ऑब्जेक्शन में मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, इन द एडजस्टमेंट लेवल व्हेन द बबल, जब बबल सेंटर्ड में रहता है तो द एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब बिकम्स पैरेलल टू, तो एक्सिस बबल ट्यूब के एक्सिस किसके पैरेलल होगा, तो वो लाइन ऑफ साइट के पैरेलल होगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जिस डायरेक्शन में हम बाइसेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को तो वो लाइन ऑफ साइट होता है। ओके तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए प्लेन ट्रेंगल एंड दैट ऑफ स्फेरिकल ट्रेंगल, स्फेरिकल ट्रेंगल और प्लेन ट्रेंगल अगर 1 सेकेंड का रहे, तो ध्यान रखिए 1 सेकेंड का है तो उसके लिए जो एरिया होगा वो होगा 195 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, 195, ठीक है 195 तक हम प्लेन ट्रेंगल प्लेन एरिया प्लेन ट्रेंगल को लेके चलते हैं, तो दोनों का 1 सेकेंड का डिफरेंस है तो इसका आंसर 195 होगा 30 का, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 ये कह रहा है कि टू स्ट्रेट लाइन डिफ्लेक्ट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके दो स्ट्रेट लाइन है, देखिए ये एक लाइन है ये दूसरी लाइन है। ओके ये डिफ्लेक्ट कर रहा है 60 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा है, रेडियस इसकी दी हुई है कितनी 600 मीटर, आर है आपके 600 मीटर। ओके द लेंथ ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड, लॉन्ग कॉर्ड का लेंथ और मिड ऑर्डिनेट ये आपको निकालना है, तो आपको फार्मूला पता है इस तरह से लॉन्ग कॉर्ड किसको इसको बोलते हैं, तो यहाँ से तक जब आप निकालेंगे इस ट्रेंगल मान के तो वो होगा आर साइन डेल्टा बाई टू, रिफ्लेक्शन एंगल आपको 60 दिया है तो टोटल के लिए हो जाएगा आर साइन प्लस आर साइन यानी 2 आर साइन डेल्टा बाई 2, तो जब इसमें आप पुट करेंगे 2 आर की वैल्यू 600 और डेल्टा की वैल्यू 60 डिग्री तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका 600, ठीक है ये वैल्यू निकल के आ जाएगा आपको 600 मीटर। इसके बाद ये कह रहा मिड ऑर्डिनेट क्या होगा, तो मिड ऑर्डिनेट ये है, ठीक तो अब इस ट्रेंगल में मैं जाऊंगा, इस ट्रेंगल में देखिए अब हमको ये आर पता है ये डेल्टा बाई टू हो जाता है, अगर ये डिफ्लेक्शन एंगल है तो ये टोटल डिफ्लेक्शन तो इसका आधा डेल्टा बाई टू, तो जब आप कॉस का एंगल लेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर कॉस डेल्टा बाई टू। ओके आर कॉस डेल्टा बाई टू, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक आर है तो आर में से हम माइनस कर देंगे, आर की वैल्यू है 600
कॉस, और डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री, यानी 60/2 तो 30 डिग्री। इसको आर में से माइनस कर देंगे, ये जितना वैल्यू आएगी ये 500 समथिंग निकल के आएगी। तो जब 600 में से यानी आर में से ये वैल्यू माइनस करेंगे 500 समथिंग, तो 80 के आसपास आपका 80 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर 80.38 आता है, तो आप 80.4 अप्रोक्सीमेट करके बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का। क्वेश्चन नंबर 32, इन एन एक्सटर्नल फोकसिंग टेक्योमीटर द फिक्स्ड हेयर इंटरवल इज 5 mm, यानी आई की वैल्यू दी हुई है 5 mm, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज 25, फोकल लेंथ आपका दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ओके, एंड द डिस्टेंस ऑफ द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर डिस्टेंस आपका डी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ओके। सारा डेटा दिया है आपको, कांस्टेंट निकाला, तो एक को कहते हैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, दूसरे को कहते हैं एडिटिव कांस्टेंट, दोनों निकालना है। तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है एफ बाय आई, तो एफ की वैल्यू आपका है 25, आई की वैल्यू 5 mm है, तो सेंटीमीटर में 0.05। जब ये डिवाइड करेंगे तो आपको 50 निकल के आएगा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, ओके। और एडिटिव कांस्टेंट होता है एफ प्लस डी, तो एफ की वैल्यू आपकी है 25, डी की वैल्यू आपकी है 15, दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 40, यानी मीटर में लेंगे तो 0.4। सो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32। मूव टू क्वेश्चन नंबर 33, इन एन एरियल फोटोग्राफ ऑफ ए टेरेन हैविंग एन एवरेज एलिवेशन, देखिए एवरेज एलिवेशन दिया हुआ है, तो हमारा फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू एफ अपॉन एच माइनस एच एवरेज, ओके। इस वैल्यू में जब आप पुट करेंगे, एफ की वैल्यू आपको 15 सेंटीमीटर दी हुई है, ओके, एच, एच की वैल्यू आपको दी हुई है कितना, एवरेज दी हुई है 1400, है ना, एच एवरेज, और ये एच आपको निकालना है। एस स्केल आपको दिया हुआ है 1/75, स्केल की वैल्यू 1/7500, सारे वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो एच की वैल्यू अपने आप आपको निकल के आ जाएगा 2525, यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा इज मेजर्ड बाय 4 ऑब्जर्वर्स मल्टीपल टाइम एंड द रिपोर्टेड वैल्यू आर फॉलोज, देखिए एंगल दी हुई है, उसका ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे जब आप, तो हर एंगल एंगल को उसके ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन कर देंगे, तो आपको वैल्यू निकल जाएगा, यानी 36 डिग्री 30 मिनट × 4, 36 डिग्री × 3, 35 डिग्री 30 मिनट × 8, और ये इंटू 4, तो ये टोटल जो होगा उसका समीशन आप निकाल लेंगे डिवाइडेड बाय 4 + 3 + 8 + 4, तो यू विल गेट 36 डिग्री। सो करेक्ट ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू पूछा है, तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आपका क्या होगा, 36 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, ये पैराबोलिक कर्व है, देखिए इस तरह से पैराबोलिक कर्व है, उसका दोनों ग्रेड दिया हुआ है, डाउन ग्रेड अपग्रेड दोनों दिया हुआ है आपका, अपग्रेड है 0.7, डाउन ग्रेड है 0.6, ओके, और इसकी जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका चेनिस दिया हुआ है 1000 मीटर चेनिस दिया हुआ है, एलिवेशन यानी आरएल उसकी दी है 250 मीटर, ओके, और द एडमिसिबल रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड, ग्रेड का जो रेट ऑफ चेंज है वो 0.05% दी हुई है पर 20 मीटर के लिए, तो आपको चेनिस निकालना है टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा टेंजेंट पॉइंट, ये हो जाएगा, इस दोनों टेंजेंट पॉइंट का आपको चेनिस निकालना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसका मोड में ले लेते हैं जो ग्रेड है, मतलब 0.7 और माइनस 0.6, तो प्लस हो जाएगा, तो 0.6 डिवाइडेड बाय कितने पे चेंज हो रहा है, तो 0.05% पे चेंज हो रहा है, तो 0.05 और पर मीटर के लिए, मतलब 20 मीटर के लिए, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब आप ये 0.7 प्लस 0.6 यानी 1.3 डिवाइड बाय 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो आपको ये 520 निकल के आएगा ये वैल्यू, तो 520 आ गया टोटल लेंथ ऑफ कर्व निकल के आ गया आपका 520 पैराबोलिक कर्व, है ना, दोनों ग्रेड से 520 आपका लेंथ ऑफ कर्व निकल के आ गया, तो हाफ कर्व का कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 2, तो दिस वैल्यू इज 260 मीटर, तो 260 इसकी चेंजेस दी है 250 मीटर, तो 1000 मीटर, तो 1000 में से 260 माइनस कर देंगे, 1000 में से 260 माइनस कर देंगे, तो यू विल गेट 740 मीटर, तो चाइनीज पॉइंट इसका मिल जाएगा, यानी फर्स्ट चाइनीज पॉइंट 740 मीटर मिलेगा, फिर 1000 में से आप 260 ऐड कर देंगे, तो यू विल गेट 1260, ओके, सो चाइनीज पॉइंट दूसरे का मिल जाएगा यहाँ का,
तो डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। मोर टू क्वेश्चन नंबर 36, ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व वैल्यू एंड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड, इसको रेसिडुअल एरर कहते हैं, है ना। ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को रेसिडुअल एरर कहते हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, फर्स्ट वाटरिंग जो होता है वो कोर वाटरिंग होता है, डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड इन मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ए ग्लूकोज सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन। देखिए ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, ओके। ये जब 6CO2 से सिक्स ओ टू से मिलता है तो आपको 6CO2 निकल के आता है, तो यानी 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 192 ग्राम ऑफ CO2 देता है, तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, दैट इज़ 192 डिवाइडेड बाय 180। तो ये किसके लिए पूछा है, 500 के लिए, तो इसको हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये वैल्यू 533.33 निकल के आएगा। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन। देखिए ये सबसे सिंपल है, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से पूछा है, तो तीन वैल्यू दी हुई आपकी 2, 2.1 और 2.3, ओके। तो इसका डिफरेंस ले लीजिए 2.1, तो 0.1 बचेगा, 2.3 माइनस ये तो 0.2, तो टोटल कितना हो गया 0.3, इसका एवरेज ले लेंगे तो डिवाइड बाय 2, तो 0.3 डिवाइड बाय 2 है ना, तो कितना हो जाएगा ये 0.15 है ना, 0.15 ये वैल्यू आ गई, तो 0.15 आपका एवरेज निकल के आ गया 0.15। तो फार्मूला होता है अर्थमेटिक का कि पी किसके लिए निकालने बोल रहा है, ये 2001 पे है ना, 2001 पे दिया, 2011 पे निकालना, मतलब एक ही डिकेड है, तो एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो पी एन इज इक्वल टू लास्ट जो होगा, यानी पी किसके लिए 2001 के लिए, 2001 के लिए प्लस एन इंटू एक्स बार, एक्स बार यानी ये 0.15, तो 2001 में कितना था 2.3 प्लस 0.15 आप जोड़ देंगे तो आपको निकलेगा ये 2.45। सो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 40, एरिएशन इन वाटर इज डन, एरिएशन जो यूज करते हैं हम बैड ऑर्डर को रिमूवल के लिए करते हैं, ठीक है। सो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का। मूव टू क्वेश्चन नंबर 41, ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर में बायोफिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, जिसमें हम वो रिमूव करते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है ना, बायोफिल्ट्रेशन बोलते हैं उसको, यूजिंग फेरस एलम। फेरस एलम जब आप यूज करेंगे तो पीएच की वैल्यू घटती है ना कि बढ़ती है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन एन एरोबिक स्टेबलाइजेशन बेसिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरेटेड, कौन सा जनरेट नहीं होता है, तो फॉस्फीन जनरेट नहीं होता है, बाकी आपको सारे चीज़ मिल जाएगा, CO2 है ना, नाइट्रेट, मीथेन, CH4 सब जनरेट होता है, इवन CH4 सबसे ज़्यादा जनरेट होता है। ट्रैप्स आर यूज इन हाउस होल्ड ड्रेनेज, ट्रैप्स क्यों यूज करते, तो इंट्री ऑफ फॉल गैस, फॉल गैस के एंट्री को कम करने के लिए, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉल गैस, फॉल गैस को प्रिवेंट करता है ये, इसलिए हम ट्रैप्स यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि एक 12 सेंटीमीटर डाया का पाइप है, उसमें माइनर लॉस आर इक्वल टू, माइनर लॉस जो है वो 5V² / 2G है, और इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ पाइप टू अकाउंट द माइनर लॉस, उस माइनर लॉस को अकाउंट करने के लिए इक्विवेलेंट पाइप का लेंथ क्या होगा, है ना, वो निकालना है आपको। तो आपको पता है FLV², ये मेजर लॉस होता है, FLV² / 2GD, इसको हम इक्वेट कर देंगे 5V² / 2G, तो V² / 2G ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया क्या, इधर FL / D, इधर बच गया 5। अब आपको F की वैल्यू दी है, D की वैल्यू दी है, दोनों वैल्यू, D की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, F की वैल्यू 0.04, जो ना आप पुट करेंगे तो L की वैल्यू आपको 15 मीटर में निकल के आएगा, तो B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का। क्वेश्चन नंबर 46, ये कह रहा है कि हाइड्रोलिक जंप कब अकर होता है, तो हाइड्रोलिक जंप जब सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में जाता है, तो वो फॉर्मेशन कब होगा, जब स्टीप से स्टीपर में जाएगा, मतलब स्टीप से माइल्ड में जाएगा, सॉरी ये थोड़ा उल्टा हो गया, स्टीप से मतलब स्टीप स्लोप से थोड़ा सा माइल्ड स्लोप में जाएगा, तो यहाँ पे मतलब सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में, तो इसका सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टीप टू माइल्ड, ओके। टू जनरेट 10,000 हॉर्स पावर अंडर ए हेड ऑफ 81 मीटर वर्किंग स्पीड 500 RPM, द टर्बाइन ऑफ चॉइस, तो इससे पहले आप स्पेसिफिक स्पीड निकाल लीजिए, स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है, एन रूट अंडर पी अपॉन एच रेज टू 5/4, यहाँ पे आपको पी की वैल्यू दी है, एच एन सारे वैल्यू दिया है, तो एन एस की वैल्यू 200 समथिंग निकल के आ गई, तो 200 जो होता है वो फ्रांसिस टर्बाइन के लिए होता है, 200 टू
300 समथिंग है ना, तो वो फ्रांसिस टर्बाइन के लिए होता है, द डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि कैप्लान का बहुत ज़्यादा होता है, बल्ब का ज़्यादा होता है, पेल्टन का कम होता है, तो ये तीनों तो होगा नहीं, फ्रांसिस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, ए फ्लूड इज वन विच कैन बी डिफाइंड एज सब्सटेंस दैट, डिफिनेशन पूछा है फ्लूड का, तो कैन बी डिफॉर्म इनडिफिनेटली अंडर द एक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट शियर फोर्स, है ना, स्मॉलेस्ट शियर फोर्स में वो डिफॉर्म हो जाए इजिली, दैट इज कॉल्ड फ्लूड, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए पंप स्टोरेज प्लांट, पंप स्टोरेज जो होता है वो पिक लोड के लिए होता है ना, पिक लोड प्लांट बोलते हैं उसको, सो इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। मरकरी इज यूज इन बैरोमीटर बिकॉज, मरकरी क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इट गिव्स लेस हाइट ऑफ कॉलम फॉर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के लिए बहुत कम हाइट देता है, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर चैनल है, उसको मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए डिजाइन करना है ना, विल बी इकोनॉमिकल कब होगा, तो वो होता है बी इज इक्वल टू जब 2y के बराबर होगा, मतलब इसकी विड्थ जो होगी 2 times डेप्थ हो जाएगी, है ना, तो इसका रेशियो अगर मैं लूँ कि विड्थ अपॉन डेप्थ अपॉन विड्थ का रेशियो पूछा है, ये देखिए डेप्थ अपॉन विड्थ, बॉटम विड्थ का रेशियो पूछा है, तो वो क्या हो जाएगा 1/2, सो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बोल रहा है फॉर इवोपरेशन फ्रॉम वाटर, इवोपरेशन के लिए, तो इंक्रीज विथ ह्यूमिडिटी, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है, इसको कोई बोलते हैं कि प्रोपोर्शनल टू डेफिसिट ऑफ वेपर प्रेशर, सी भी करेक्ट हो सकता है, बट ह्यूमिडिटी बढ़ती है तब भी आप इवोपरेशन वो होता है ना, इवोपरेशन फ्रॉम वाटर इंक्रीज विथ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इवोपरेशन बढ़ता है, ठीक है, तो आप इसको सी भी करेक्ट मान सकते हो, तो इसको आप ऑब्जेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है ए कलवर्ट इज डिजाइन फॉर पीक फ्लो थीटा पी ऑन द बेसिस ऑफ रेशनल फार्मूला, रेशनल फार्मूला पे थीटा पी ये किया गया है, इफ ए स्टॉर्म ऑफ द सेम इंटेंसिटी एज यूज इन द डिजाइन एंड ट्वाइस द ड्यूरेशन अकर्स देन रिजल्टिंग पीक डिस्चार्ज विल बी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, थीटा पी इज इक्वल टू थीटा पी के बराबर ही रहेगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके क्वेश्चन नंबर 54 है कि ए ट्रेंगुलर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, इस तरह से ट्रेंगुलर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बना जिसका बेस जो है वो 90 आवर का है ना, बेस 90 आवर का है, पीक फ्लो जो है 60 m³/s का है, और ये पीक जो अकर होता है वो 20 आवर्स लेफ्ट से, है ना, लेफ्ट से 20 आवर पे, देखिए पीक फ्लो इतना 20 आवर्स फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द स्टॉर्म, स्टार्ट से, है ना, स्टार्ट से 20 आवर ले लेते हैं इसका, जहाँ पे पीक अकर होता है, द एरिया ऑफ कैचमेंट 300 km² दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप इसका एरिया ले लीजिए, यानी 1/260 × 90 आवर है और 60 m³/s में, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय 60 × 60 / एरिया, तो 300 km² में है इंटू 10^6, इसको भी मीटर में कर दिए अपन, 10^6 में कर दिए, तो ये 1/100 सेंटीमीटर के लिए, ठीक है, 1 cm होता है तो 1/100 m में कर दिए इसको भी, तो जब यहाँ से आप निकालेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रेनफॉल एक्सेस इज 3.24 cm। ओके तो आपको रेनफॉल एक्सेस जो निकल के आएगा यहाँ से वैल्यू जो निकल के आएगा दैट इज 3.24 cm निकल के आएगा, आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला से। क्वेश्चन नंबर 54 का डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि लेसीज स्कॉल डेप्थ, है ना, फोर लेसिज स्क्वायर डेप्थ आपको निकालना है जिसमें डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ में दिया हुआ है ना, यानी स्मॉल क्यू आपको दिया हुआ है 3, ओके एंड सील फैक्टर एफ दिया हुआ है 1.2, तो आपको पता है लेसिज स्क्वायर डेप्थ का फार्मूला डायरेक्टली क्या होता है, दैट इज वाई सी मान लो स्क्वायर डेप्थ को, या वाई एल मान लेता हूँ मैं, दैट इज 1.35 क्यू स्क्वायर बाय एफ रेज टू 1/3, इस फार्मूला जब आप क्यू और एफ आपको पता है पुट करेंगे तो यू विल गेट 2.64, यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 56, एक कैनाल वाज डिजाइन फॉर फुल सप्लाई डिस्चार्ज ऑफ 60 m³, मतलब 60 m³ पे डिजाइन किया गया है, तो क्यू इज इक्वल टू 60 m³/s, एवरेज सप्लाई जो है वो 40 है, तो जब आप कैपेसिटी फैक्टर निकालेंगे तो दैट इज एवरेज अपॉन मैक्सिमम, है ना, डिजाइन एवरेज अपॉन डिजाइन वो होता है कैपेसिटी फैक्टर। ओके तो आपका हो जाएगा 40/60, तो यू विल गेट बी 0.67 इज द करेक्ट आंसर, सो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए,
व्हाट इज द परमिसिबल वेलोसिटी ऑफ वाटर इन सीमेंट कंक्रीट, है ना, ध्यान रखना है आपको, सीमेंट कंक्रीट के बारे में पूछा है कि परमिसिबल वेलोसिटी कितना होगा जब लाइनिंग करेंगे तो, है ना। तो सीमेंट कंक्रीट के लिए जो होता है वो 2.7 होता है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। 1.8 होता है बर्न क्ले के लिए, 1.5 होता है स्टोन पीच के लिए। लेसी मीटर यूज करते हैं इवेपो ट्रांसपरेशन मेजर करने के लिए। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो होता है वो टाइम और लोकेशन दोनों पे चेंज होता है, चेंजेज विद टाइम एंड लोकेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, ये कह रहा है कि एक्विफर कन्फाइंड एट द बॉटम, बॉटम में कन्फाइंड है बट नॉट एट टॉप, टॉप पे कन्फाइंड नहीं है, है ना, बॉटम में कन्फाइंड है टॉप पे कन्फाइंड नहीं, तो उसको कहते हैं अनकन्फाइंड एक्विफर, ठीक है। अगर दोनों साइड कन्फाइंड हो तो वो कन्फाइंड कहते हैं। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द ग्राउंड डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेन एनी वाटर इंटर्स इन द अर्थ स्टाटा इट इज कॉल्ड, जब इंटर करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। अर्थ स्टाटा मतलब अब इसके मतलब जमीन के अंदर जा रही है, तो दैट इज इनफिल्ट्रेशन, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर क्वांटिटी बाय जियोलॉजिकल स्टाटा डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, सॉइल का प्रॉपर्टी है ना, जिसपे अब डिपेंड करता है होल्डिंग कैपेसिटी, तो किस पे, पोरोसिटी पे, मतलब वाइड कितना है उसी में ना रहेगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, यूनिट हाइड्रोग्राफ हम यूज करते हैं जब एरिया कैचमेंट साइज जो है उसका दैट इज लिमिटेड टू 5000 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, 5000 किलोमीटर स्क्वायर में रहता है, तो हम यूनिट हाइड्रोग्राफ यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि फ्री सरफेस विड्थ ऑफ ओपन चैनल सेक्शन इज नॉन एज, फ्री सरफेस को बोलते हैं टॉप विड्थ। देखिए इस तरह से ओपन चैनल है, यहाँ पानी भरा हुआ है, तो फ्री सरफेस यही हुआ, उसको क्या बोलते हैं, टॉप विड्थ, है ना, टॉप विड्थ। सो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एक्सेल लोड इंक्लूडिंग वेट ऑफ वेट ऑफ व्हील एंड एक्सेल प्रोवाइडेड दैट रेल हैज नॉट लॉस्ट मोर देन 5% ऑफ इट्स ओरिजिनल सेक्शन फॉर 4.5 kg per meter, रेल सेक्शन फॉर ब्रॉड गेज शुड बी, है ना, रेल सेक्शन फॉर ब्रॉड गेज शुड बी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका WR/WL इज इक्वल टू 1/510, तो इसमें आपको डब्ल्यू आर की वैल्यू दी हुई, दैट इज 44.5 kg, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू एल आपकी 22.69 निकल के आएगी, दैट इज 23 टन के आसपास आ जाएगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है फॉर 8° कर्व ट्रैक डाइवर्जिंग फ्रॉम मेन कर्व ऑफ 5° इन अपोजिट डायरेक्शन इन द लेआउट ऑफ ब्रॉड गेज यार्ड, हाउ मच कैंट इज टू बी प्रोवाइडेड, कितना कैंट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द ब्रांच ट्रैक। ये चीज़ अंडरलाइन कर लीजिए कि ब्रांच ट्रैक के लिए पूछा है। द मैक्सिमम स्पीड मैक्सिमम दिया हुआ आपका, है ना, एंड परमिटेड कैंट डिफिशियंसी भी दिया हुआ है 7.6 meter, जबकि गेज ब्रॉड गेज का 1.676 होता, नहीं भी दिया रहता तो आप एज्यूम कर लेते 1.676 meter, तो आपको इसको निकालना है। तो आप जानते हैं E बराबर क्या होता है, GV² / 1.27 R, तो इसमें जब आप G की वैल्यू 1.676 मल्टीप्लाइड बाई V कितना है आपका 45 का स्क्वायर डालेंगे डिवाइडेड बाय 1.27 इंटू R, R की वैल्यू आपको नहीं दिया है लेकिन डिग्री दिया है 5° ब्रांच कैनाल का, है ना, तो R बराबर क्या होता है ब्रॉड गेज के लिए 1720 डिवाइडेड बाय D डिग्री यानी 5°, तो यहाँ पुट कर देंगे तो 1720 और 5 को ऊपर लेके चला गया, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को तो यू विल गेट 7.768 सेंटीमीटर में निकल के आएगा, है ना, इसलिए मैं यहाँ पॉइंट दे दिया था, एक्चुअली 127 होता है, हमें सेंटीमीटर में निकालना है, तो आप सेंटीमीटर में 7.6768 निकल के आएगा, और एक्चुअल कैंट आपको दिया हुआ, परमिटेड कैंट दिया हुआ 7.6 सेंटीमीटर, तो कैंट डिफिशियंसी क्या हो जाएगा सीडी अगर माने तो 7.768 - 7.6, तो इसमें से आपको 0.168 निकल के आएगा, ओके, तो 0.168 है लेकिन ये ब्रांच केनाल के लिए पूछा है तो हम क्या करेंगे निगेटिव में इसको माइनस करेंगे, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा ना कि सी, है ना, ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है एज पर IRC 37 इन ऑर्डर टू कंट्रोल सबग्रेड रटिंग द फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑफ द पैरामीटर
टू बी कंसिडर, तो उस केस में जो कंप्रेसिव स्ट्रेन एट टॉप पे टॉप ऑफ सबग्रेड ये वाला कंसिडर किया जाता है, दैट इज वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑन टॉप ऑफ सबग्रेड, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि बेस्ड ऑन फ्यूलर्स फार्मूला, फ्यूलर्स फार्मूला पे मैक्सिमम डेंसिटी करेक्शन फोर एम एम मैक्सिमम साइज के लिए, ये ईएस में आ चुका है क्वेश्चन, है ना, प्रीवियस ईयर आप लगाएंगे तो एक फार्मूला है फ्यूलर फार्मूला उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो आपका ये 20 निकल के आता है ना, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी आप इसको ऑब्जेक्शन में रख लीजिए, इसको मैं सॉल्व नहीं किया हूँ, ओके, बट ये ईएस प्रीवियस ईयर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 70, इफ़ सुपर एलिवेशन इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन ए हॉरिजेंटल कर्व ऑफ हाईवे इन विच पोर्शन ऑफ द रोड पॉट होल्स विल बी डेवलप, पॉट होल्स कहाँ पे डेवलप होगा। देखिए अगर सुपर एलिवेशन आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो मैक्सिमम प्रेशर कहाँ होगा, आउटर पे, आउटर पे मैक्सिमम प्रेशर होगा तो वहाँ पे पॉट होल्स होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, पॉसिबिलिटी, सो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रीप क्या है, क्रीप है लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल, रेल का लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट को क्रीप कहते हैं, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेथड IRC कौन सा मेथड अडॉप्ट किया है फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए, है ना, इंडियन रोड कांग्रेस जो है वो CVR मेथड को अडॉप्ट किया है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द इंडियन रोड कांग्रेस वाज फाउंड 1934 में फाउंड किया गया था इंडियन रोड कांग्रेस, तो 73 का जो होगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, लखनऊ रोड लोड प्लान, लखनऊ जो है वो थर्ड रोड प्लान था, पहला था नागपुर, दूसरा बम्बई, तीसरा लखनऊ, है ना, ये थर्ड 20 ईयर रोड प्लान था, सी इसका करेक्ट आंसर। डिस्टेंस बिटवीन चैनलाइजिंग आइसलैंड ऑफ ए रोडवे, चैनलाइजिंग आइसलैंड का डिस्टेंस जो है तो वो विविंग डिस्टेंस होता है ना, रोटरी पे दिखेगा आपको ये, है ना, रोटरी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, सो विविंग डिस्टेंस बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है, एज पर IRC रिकमेंडेशन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन मिक्स ट्रैफिक, मिक्स ट्रैफिक के लिए जो होता है दैट इज 1 in 15 लेते हैं हम मिक्स ट्रैफिक के लिए, है ना, किसमें, प्लेन एरिया में, ये चीज़ ध्यान रखना है, प्लेन एरिया है ना, जब टेरेन का प्लेन होगा, प्लेन टेरेन होगा तो 1 in 15 होगा मिक्स्ड ट्रैफिक के लिए। द क्लासिफिकेशन कैटेगराइज रोड नेटवर्क वाज फाइनलाइज इन नागपुर, नागपुर प्लान जो था उसमें रोड का कैरेक्टराइजेशन कैसे किया गया था, क्लासिफिकेशन कैसे किया गया था, तो वो था नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, यानी सारे, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रैफिक वॉल्यूम इज मेजर्ड फॉर ट्रैफिक स्टडी इन टर्म्स ऑफ व्हीकल पर डे, देखिए बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्यों, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू यू, और Q की यूनिट क्या होता है, व्हीकल पर किलोमीटर, है ना, और ये क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से जब करेंगे किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो व्हीकल पर आवर में तो दिया नहीं है, पर डे में दिया, सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग व्हीकल ड्यूरिंग द परसेप्शन एंड ब्रेक रिएक्शन टाइम, परसेप्शन और ब्रेक रिएक्शन टाइम के बीच का जो डिस्टेंस कहते हैं लैग डिस्टेंस, यानी टोटल साइड डिस्टेंस जो होता है वो ब्रेकिंग डिस्टेंस प्लस लैग डिस्टेंस होता है, तो परसेप्शन और ब्रेक रिएक्शन टाइम को से जो डिस्टेंस निकल के आता है दैट इज लैग डिस्टेंस, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ एन एक्सकेवेटेड पोर्शन ऑफ रोड ऑन द हिल कैन बी प्रोवाइडेड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ, मतलब हिल साइड की स्टेबिलिटी के लिए जो हम प्रोवाइड करते हैं उसको रिटेनिंग वॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिटेनिंग वॉल, बी इज द करेक्ट आंसर। इफ G1 एंड G2 आर टू ग्रेडियंट्स, आर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट परसेंटेज पर चेन, द लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व विल बी, तो ये होता है G1 माइनस G2 डिवाइडेड बाय आर, है ना, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन टू रोड्स एंड टू लेन, देखो टू रोड्स टू लेन बहुत बार ये क्वेश्चन आया, तो टू टू जब रहे तो इसका नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाएगा, 24, टू रोड्स टू लेन 24, ओके। क्वेश्चन नंबर 83 ये कह रहा है, ए हाईवे डिजाइन फॉर 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड से डिजाइन किया, यानी वेलोसिटी दिया हुआ है कितना, 80, ओके, स्पीड हैज द हॉरिजॉन्टल कर्व सेक्शन विथ रेडियस 250, आर दिया हुआ है 250, इफ द डिजाइन लेटरल फ्रिक्शन, डिजाइन लेटरल फ्रिक्शन इज एज्यूम टू बी डेवलप, अगर डेवलप हो रहा है तो डिजाइन लेटरल फ्रिक्शन कितना होता है, 0.15 मैक्सिमम, है ना, 0.15 लेके चलेंगे हम, तो ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा 0.15, तो आपको बोल रहा है कि द रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन क्या होगा, तो रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन अब क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, अब यहाँ पे वी की वैल्यू डाल दीजिए, 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 इंटू आर, आर की वैल्यू है 250, तो यहाँ जब पुट करेंगे तो ये आपको निकल के आएगा, और F की वैल्यू आप ले लेंगे 0.15, तो E की वैल्यू निकल के आएगा 0.05, है ना, 0.05 मीटर में, तो C जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 83 का। क्वेश्चन नंबर 84, द स्लीपर डेंसिटी ऑफ ब्रॉड गेज ट्रैक M+13,
है ना, ब्रॉड गेज के लिए, ब्रॉड गेज के लिए जो लेंथ होता है दैट इज 12.8, यानी अप्रोक्सीमेट 13 लेके हम चलते हैं, तो 13 मीटर हो जाएगा। तो 13 मीटर में m प्लस सेवन का आ रहा है डेंसिटी, है ना, स्लीपर डेंसिटी m प्लस सेवन, तो 13 प्लस सेवन यानी 20, मानी 13 मीटर में कितने 20 स्लीपर, तो ये पूछ रहा है 1.024 मीटर में कितना होगा, मतलब 13 मीटर में 20 स्लीपर, तो क्या कर देंगे इसको 20 डिवाइड बाय 13 यानी यूनिटरी मेथड से मल्टीप्लाइड बाय 1024 किलोमीटर में, मीटर में कन्वर्ट कर दिए, तो यू विल गेट 1575। तो इसका कोई भी आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है तो इसको आप ऑब्जेक्शन में रख सकते हैं, बट अप्रोक्सीमेट 1600 लेके चल सकते हैं, तो सी मे भी करेक्ट आंसर होगा, बट यू कैन पुट इन ऑब्जेक्शन, है ना। 84 क्वेश्चन नंबर 85, जनरली द रेल सेक्शन इज डिजाइंड बाय एज्यूमिंग दैट इट कैन बियर ए लोड इक्वल टू एन टाइम्स, है ना, एन टाइम्स यानी 1/510, 510 होता है, यहाँ कोई भी ऑप्शन 510 का है नहीं, तो आप इसको 560 डी करेक्ट मान सकते हैं, बट ये भी ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, आप इसको भी ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं, बट डी इसका करेक्ट आंसर मे भी हो सकता है। क्वेश्चन 86 कह रहा है कि स्पेसिफिक एनर्जी जो है, ई सी इज द स्पेसिफिक एनर्जी एंड वाई सी इज द क्रिटिकल डेप्थ, तो दोनों का रेशियो यानी ई सी अपॉन वाई सी ट्रेंगुलर चैनल के लिए क्या होगा, तो ई सी अपॉन वाई सी देखिए ये होता है 1.5, ये रेक्टेंगुलर के लिए होता है ना, यानी 3/2, इसको 3/2 बोलते हैं, ओके, और ये होता है 4/3 होता है पैराबोलिक के लिए, और 5/4 होता है ट्रेंगुलर के लिए, है ना, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 5/4 यानी 1.25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है आइसोलेटेड स्टॉर्म, आइसोलेटेड स्टॉर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड ऑन ए हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ में ये सिंगल पिक द्वारा दिखाया जाता है आइसोलेटेड स्टॉर्म, ओके। ए बेस पीरियड 6 आवर का बेस पीरियड दिया हुआ है, यूनिट ए बेस पीरियड ऑफ 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का बेस पीरियड है 84 आवर, तो 12 आवर द बेस पीरियड ऑफ 12 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, 12 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का बेस पीरियड कितना होगा, तो 84 प्लस आप 6 इसमें एक बार लैग करेंगे तो आप 6 जोड़ दीजिए, दैट इज 90 आवर्स के आसपास इसका होता है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉडाउन को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कैपेसिटी, डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द डाउन स्ट्रीम प्रोफाइल ऑफ ओगी, ओगी स्पिलवे, ये पिछले बार यूपीपीएससी एई में भी पूछा था ये क्वेश्चन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है देखिए इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ये होता है y इज इक्वल टू 0.5 माइनस मैं कर दूँ 0.5 y इज इक्वल टू माइनस 0.5 x रेज टू 1.85 और HD रेज टू माइनस 0.85 उधर ले जाएंगे तो उस टाइम मतलब HD को इधर ले आएंगे तो ये 1.85 ऊपर चला जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, ओके, तो 0.85 के आसपास, यानी A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये पिछले बार भी आ चुका है, ये डायरेक्ट फार्मूला पूछता है ओगी स्पिलवे का, सो A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, द वाटर बैलेंस इक्वेशन फॉर कैचमेंट एरिया इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल रन ऑफ एंड इवोपरेशन, तो आपको वाटर बजट इक्वेशन लिखना है, तो आपको पता है रन ऑफ ऊपर से जो रेनफॉल आ रहा है तो रन ऑफ कितना जनरेट होगा, तो रन ऑफ इज इक्वल टू कितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है उसमें से कितना लॉस हो रहा है, दैट इज इवोपरेशन लॉस, उसको माइनस कर देंगे, अब प्लस माइनस स्टोरेज, स्टोरेज मतलब कितना इन्फिल्ट्रेट हो रहा है, कितना स्टोरेज हो रहा है, तो प्लस माइनस स्टोरेज, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 92, कन्फाइंड एक्वीफर इज नॉट एसोसिएटेड, कन्फाइंड एक्वीफर किससे एसोसिएटेड नहीं है, तो फ्री वाटर टेबल से एसोसिएटेड नहीं है, कन्फाइंड क्या होता है कि इधर भी इम्परमिएबल लेयर, इधर भी इम्परमिएबल लेयर, बीच में रहता है ना, इसको कन्फाइंड एक्वीफर आता है, तो ये फ्री वाटर टेबल से एसोसिएटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93 जो है, इन ब्रिक लाइनिंग द लेयर विच मेक्स द कैनाल वाटर टाइट, लेयर विच मेक्स द कैनाल वाटर टाइट, कौन सा लेयर है, तो वो होता है सैंडविच लेयर विच सीमेंट मोर्टार, है ना, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज एलुवियल फ्लड प्लेन्स फ्लो इन टू और मोर चैनल्स अराउंड एलुवियल आइसलैंड, दैट इज ब्रेडेड रिवर, उसको ब्रेडेड रिवर बोलते हैं, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95, इफ द डेप्थ ऑफ इरीगेशन कैनाल इज बिलो द लेवल, देखिए
बिलो द लेवल ऑफ नेचुरल स्ट्रीम, है ना, नेचुरल स्ट्रीम के बिलो बोल रहा है। तो जब कैनाल ओवर रहता है तो एक्वीडक्ट होता है, अब ये क्या बोल रहा है, कैनाल बिलो है, बिलो है तो सुपर पैसेज हो जाएगा, है ना। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का। क्वेश्चन नंबर 96, द रेशियो ऑफ एक्चुअल एक्चुअल इवेपोरेशन एंड पोटेंशियल इवेपोरेशन, ये क्वेश्चन SSC में आ चुका है। एक्चुअल इवेपोरेशन यानी AET और PET का रेशियो क्या होता है, तो ये 0 से 1 के बीच में होता है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द वेव हाइट, वेव हाइट निकालना है आपको, वेव हाइट इन मीटर में, ठीक है, जनरेटेड द सरफेस रिजर्वायर हैविंग फेच लेंथ 30 किलोमीटर दिया हुआ है, तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, दैट इज HW इज इक्वल टू 0.032 रूट अंडर V इंटू F। तो आप इसमें 0.032 और V की वैल्यू आपको दी हुई कितना 30, F की वैल्यू आपको 30 दी है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 0.96, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, ओवर इरीगेशन क्या करता है, वाटर लॉगिंग। 99, द कंसेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर फर्स्ट टाइम प्रंटल दिया था। फॉर टर्बुलेंट फ्लो द रिनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू टर्बुलेंट फ्लो में 4000 होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 101, माइल्ड स्लोप चैनल इज फॉलोड बाय स्टीप, देखिए माइल्ड स्लोप चैनल फॉलोड बाय स्टीप स्लोप चैनल, तो उसमें कौन सा प्रोफाइल बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कौन कौन सा प्रोफाइल बनेगा, एक तो M2 बनेगा, है ना, और फिर H2 बनेगा, तो M2 एंड H2 ये दो प्रोफाइल बनेगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, द रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर ऑफ वेंचुरी मीटर प्लेस 45 डिग्री हॉरिजेंटल 11 सेंटीमीटर वेंचुरी मीटर, देन इफ द वेंचुरी मीटर टर्न इन हॉरिजेंटल, देखिए वेंचुरी मीटर को हॉरिजेंटल कीजिए, इंक्लाइंड कीजिए, कुछ भी कीजिए, तो उसके उसमें चेंज नहीं होता है रीडिंग में, तो वो 11 सेंटीमीटर ही रहेगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लो ऑफ एयर कैन बी कंसिडर टू बी इनकम्प्रेसिबल, है ना, ये इनकम्प्रेसिबल कंसिडर करते हैं जब मैक नंबर की वैल्यू जो है मैक नंबर ऑफ फ्लो इज लेस देन 0.2 से कम आता है ना, अगर 1% का एरर आ रहा है, फ्लो इन एयर कैन बी कंसिडर इनकम्प्रेसिबल विद इन 1% एरर, 1% एरर के बीच में इसको कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल कंसिडर करते हैं जब मैक नंबर की वैल्यू लेस देन 0.2, बी इज द करेक्ट आंसर। द कोफिशियंट ऑफ CV का ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ रखा है, दैट इज रूट अंडर X² अपॉन 4YH, है ना, इसका सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 105, शॉक वेव विल नॉट अकर इन द, ये क्वेश्चन भी आप रख लीजिए इसमें, बट इसका करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से डाइवर्जेंट सेक्शन होनी चाहिए, बट ये मुझे मिला नहीं, तो आप इसको रख सकते हैं उसमें स्टार करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्यूमुलेटिव एलिमेंट्स, है ना, कैडमियम जो है वो टॉक्सिन है ना, क्यूमुलेटिव एलिमेंट टॉक्सिन, तो कैडमियम जो है वो टॉक्सिन है, ठीक है, वो कम रहना चाहिए वाटर में। ओके, तो ए इज द करेक्ट आंसर। रेसिडुअल क्लोरीन ऑर्थोटोलाइडीन टेस्ट से हम फाइंड आउट करते हैं रेसिडुअल क्लोरीन। ओके, विंकलर मेथड ऑक्सीजन के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 108, द मैक्सिमम डेप्थ अलाउड फॉर एरोबिक स्टेबलाइजेशन टैंक, देखिए एरोबिक के लिए जो होता है 0.5 मीटर, एरोबिक के लिए जो मैक्सिमम डेप्थ अलाउड होता है 0.5 होता है, है ना, एरोबिक के लिए, सो इसका सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन एरोबिक के लिए होता है 2.5, देखिए 2.5 to 0.5, और फैकल्टेटिव के लिए होता है ये वैल्यू 1 से 1.5 मीटर के बीच में होता है ना, तो 2.5 मीटर तक होगा, तो एनएरोबिक होगा, एरोबिक के लिए 0.5 होता है, बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाटर ईयर इन इंडिया स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे, ये क्वेश्चन भी आप स्टार करके रख लीजिए, वैसे तो इसका आंसर मिला नहीं है, सितंबर में एंड होता है, 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है जनरली, बट वाटर ईयर पूछा है तो वैसे इंडिया का वाटर ईयर 2007 है, बट इसका करेक्ट आंसर मुझे मिला नहीं, तो आप इसको स्टार में रख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 110, टॉप ऑफ रेल ऑफ ट्रैक आर प्लेस्ड एट इनवर्ड स्लोप, है ना, टॉप जो रेल होता है वो प्लेस किया 1 in 20 एंगल पे, है ना, 1 in 20 स्लोप पे, जिसको कोनिंग ऑफ व्हील भी बोलते हैं, 1 in 20 स्लोप रहता है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसमें मैच करना है, एक तरफ आपको दिया हुआ है कि जैसे हार्डनेस है ना, उसको कैसे मेजर करते, दूसरी तरफ उसके मेजरमेंट के तरीके दिए, प्रोसेस दिया हुआ है। तो हार्डनेस मेजर करते हैं जियोलाइट प्रोसेस से, इसका 3 हो जाएगा। ब्रैकिस वाटर रिवर्स ऑसोमेसिस से करते हैं, इसका 1 हो जाएगा। रेसिडियल क्लोरीन, रेसिडियल एमपीएन फ्रॉम फिल्टर्स, इसका जो होगा क्लोरिनेशन से होता है, और टर्बिडिटी जो होता है वो फ्लोकुलेशन, फिल्ट्रेशन और कोगुलेशन के लिए होता है। सो 3125 डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, द रनवे लेंथ इंक्रीज्ड ऑन एवरी राइज ऑफ 300 मीटर, ये 7% के आसपास होता है। 7% एक भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इस क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। ये 7% होता है, ठीक है, एवरी राइज ऑफ 300 मीटर फ्रॉम MSL, जो लेंथ इंक्रीज होता है वो 7% के आसपास होता है। क्वेश्चन नंबर 113, ये कहता है पर कैपिटा वाटर सप्लाई इंडियन टाउन में एंड सिटीज में एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड से कितना लेते हैं, वो लेते हैं 135 लीटर पर कैपिटा पर डे, ओके। रेडियल ऑफसेट, रेडियल ऑफसेट आपको निकालना है। रेडियल ऑफसेट कैसे निकालते हैं, सपोज ये कर्व जा रही है सिंपल सर्कुलर कर्व, तो इस तरह से रेडियल है, तो यहाँ से आप ले लें, ये आर है ना, तो आपको यहाँ पे टेंजेंट में ले लूँगा, तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये निकल के आएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, है ना। तो टोटल इसकी आर लेंथ है, तो ये टोटल लेंथ में से यहाँ तक कितना हो जाएगा आर, तो आपको ओ एक्स निकल के आ जाएगा, तो इसकी करेक्ट आंसर जो होगा वो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर, उसमें से रेडियस माइनस कर देंगे, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, ये कह रहा है द रोड बैंड डिफ्लेक्टेड बाय 80 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो रहा है, टू बी डिजाइन द मैक्सिमम स्पीड इज टू बी 2 किलोमीटर पर मिनट, मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल रेशियो 0.25 दिया हुआ है, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन 300 mm पर सेकेंड क्यूब, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है। द सर्कुलर आर्क इज कम्बाइंड विथ 2 क्यूबिक स्पायरल, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क विल बी, इसका रेडियस क्या होगा वो आपको निकालना है। देखिए v दिया हुआ है कितना, 2 किलोमीटर पर आवर, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए मीटर पर सेकेंड में, तो 2 को मतलब 2000 मीटर हो गए, और पर मिनट यानी 60 से डिवाइड कर देंगे तो सेकेंड में आ जाएगा, तो ये वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा 33.33 मीटर पर सेकेंड। अब आपको सेंट्रीफ्यूगल रेशियो पता है p/w इज इक्वल टू v² / gr, तो यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा p/w वैल्यू क्या हो जाएगा 0.25, v की वैल्यू आपको पता है 33.33, इसका स्क्वायर कर दो डिवाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय r, r की वैल्यू आपको निकालना है, तो जब यहाँ से आप r कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 853 point something, सो d इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 करा द फिक्सिंग ऑफ प्लेन टेबल, प्लेन टेबल फ्रॉम थ्री नॉन पॉइंट से जब प्लेन टेबल फिक्स करते हैं तो द मिडल स्टेशन इज नियरेस्ट, मिडल स्टेशन जो है वो नियरेस्ट होना चाहिए, ये इसका करेक्ट आंसर है। कुछ बच्चों को डी में भी कन्फ्यूजन है, बट डी के केस में वो पुअर होता है, ओके। ये दोनों तो होगा नहीं, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 क्वेश्चन तक डिस्कस हुआ है, इसमें नौ क्वेश्चन बच रहे हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ओके। आई होप कि आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, तो इसको शेयर कीजिए, और कुछ क्वेरीज होगा तो आप इनबॉक्स में कमेंट में डाल सकते हैं, ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर।